संकल्प कोलकाता की ओर से न्यू टाउन के इको पार्क के पीछे राम मंदिर हॉल में रविवार को डॉक्टर ललित वैद्य की देखरेख में 150 लोगों का सामान्य स्वास्थ्य चेकअप और 200 लोगों की आंखों का परीक्षण किया गया। 100 लोगों में चश्मे बांटे गए। इसके अलावा 30 से 40 लोगों की आंखों का मोतियाबिंद ऑपरेशन किया गया। संकल्प कोलकाता के कोषाध्यक्ष अंजनी सहल ने फल वितरण किया। राम मंदिर के संस्थापक विवेक शर्मा का भी इसमें पूरा सहयोग रहा। इस मौके पर कैंप के कन्वेनर संजय बोथरा, जसवंत बरडिया, धनपद बैद और राहुल बैद का सराहनीय योगदान रहा। संकल्प कोलकाता के मेंबर मनोज पगरिया, राजकुमार वैद, प्रकाश सिंघी, धनपत लिंगा, जयप्रकाश भुतोड़िया, मनीष दुग्गर ने शिविर की व्यवस्था में अपना योगदान दिया। सेक्रेटरी विकास जैन बरडिया ने कहा कि आज के विशाल हेल्थ चेकअप और आई चेकअप का प्रोग्राम काफी सफल रहा। 300 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया और डॉक्टर ललित वैद्य निस्वार्थ भाव से हम लोगों के साथ स्वास्थ्य चेकअप में भी लगे हुए रहे। संकल्प एनजीओ की स्थापना 2010 में हुई थी। महासचिव हैं विकास जैन बरडिया। संकल्प कोलकाता की तरफ से बहुत विशाल प्रोग्राम आई चेकअप कैंप और हेल्थ चेकअप कैंप का जो प्रोग्राम है हम लोग राम मंदिर न्यू टाउन में आज करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर में आज पेशेंट आ रहे हैं, 300 से अधिक। और वैसे तो हमारे पास में 500 का रजिस्ट्रेशन था, पर हमारी आज 300 का ही व्यवस्था है हम लोग में। और डॉक्टरों की टीम, डॉक्टर ललित वैद भी आज हमारे पास में है, जो हेल्थ चेकअप कैंप का पूरा जिम्मेदारी उनको दी हुई है। और वो हमारे को निस्वार्थ भावना से हम लोगों की संस्था से जुड़े हुए हैं। हमारी संस्था के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी सब आए हुए हैं, हमारे महेंद्र जी वैद हैं, अरुण जी वैद हैं, बालचंद जी हैं, हमारे सारी संस्था के मेंबर आए हुए हैं। और हम लोग एक ये प्रोग्राम हर साल हर महीने प्रोग्राम कर रहे हैं, बड़े बड़े कैंप कर रहे हैं कलकत्ता के अंदर में। और हम लोग का भविष्य के अंदर में आज आई हॉस्पिटल बनाने की जो हम लोग की इच्छा है वो बहुत जल्द ही पूरी होगी। जनरल सेक्रेटरी अरुण कुमार वैद ने युवा शक्ति को बताया कि राजर हाट में संकल्प कोलकाता एनजीओ संस्था 2010 में स्थापित हुई। हम लोगों की जमीन भी है और उस पर हॉस्पिटल बनाने की योजना है। 4 साल पहले इसकी नींव भी डाली गई, लेकिन कोविड-19 की वजह से थोड़ी सी रुकावट आई। उन्होंने कहा कि अब हम लोग इस पर जोर शोर से काम करेंगे। उल्लेखनीय है कि संकल्प कोलकाता जानी मानी संस्था है। संकल्प के जो भी मेंबर हैं वो सभी संकल्पित हैं, इसलिए इसका नाम संकल्प कोलकाता रखा गया है। श्री वैद ने सभी मेंबरों से आग्रह किया कि हॉस्पिटल के लिए जो योजना बनी है उसे पूरा करने के लिए सभी सदस्य विशेष रूप से भूमिका निभाएंगे। संकल्प कोलकाता 2010 में एनजीओ के रूप में स्थापित हुई थी और ये संकल्प कोलकाता नीति आयोग में भी रजिस्टर है। और हमारी जो जमीन है राजारहाट में, हमारी जमीन है, जमीन पर देखिए हम लोग प्रकल्प जा रहे हैं हॉस्पिटल बनाने के, जो हम लोग न्यू डाले थे 4-5 साल पहले, लेकिन कोविड के चलते हम लोग क्योंकि उसमें ज़्यादा अग्रेसर नहीं हो सके हैं, लेकिन अभी बहुत जल्दी से हम लोग क्योंकि नए सिरे से उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। संकल्प कोलकाता जाने माने संस्था है, कोई संकल्प के जो मेंबर है सभी मेंबर संकल्पित है, इसीलिए इसका नाम भी संकल्प है। तो मेंबर से रिक्वेस्ट है जो सभी मेंबर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव रखें और ये हॉस्पिटल का जो हम लोग प्रकल्प लिए हैं उसमें जो भागीदार बने और जल्द से जल्द ये प्रकल्प पूरा करने में सहयोग बनाए रखें। प्रेसिडेंट महेंद्र वैद्य ने इस मौके पर कहा कि आज काफी संख्या में लोगों ने फ्री हेल्थ चेकअप का लाभ लिया और हम लोग हर महीने इस तरह का शिविर लगाने का प्रयास करते रहेंगे। संकल्प हमारी संस्था है जिसका हम लोग हर महीना कैंप, आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप और फूड डिस्ट्रीब्यूशन, अनेक तरह के सामाजिक कार्य हम लोग आज जगह जगह जाकर करते हैं। जहाँ जरूरतमंद लोगों की हम लोग सहायता करते हैं। आगे भी हमारे प्रोग्राम आयोजित है, सब होते रहते हैं। सामने हमारा होली का प्रोग्राम है, वो भी अच्छे तरीके से हो रहा है। संयोजक बालचंद दुगर ने कहा कि न्यू टाउन राम मंदिर में पूरी संकल्प की टीम उपस्थित थी
और इस मंदिर के जितने पदाधिकारी हैं उन सब का पूरा सहयोग मिला। उन्होंने बताया कि 12 सालों से हम लोग मानव सेवा में लगे हुए हैं, जरूरतमंदों को भोजन, कपड़ा और आई चेकअप आदि उपलब्ध कराने में हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग यहाँ न्यू टाउन के राम मंदिर में पूरी संकल्प की टीम के साथ में आज यहाँ मौजूद हैं, आई कैंप हेल्थ चेकअप कैंप के साथ में, और इस मंदिर के जितने भी पदाधिकारी हैं उनका पूरा सहयोग है, पूरी संकल्प टीम का और लॉयंस क्लब की टीम का विशेष सहयोग के साथ में हम ये जो कैंप आयोजित करने जा रहे हैं। संकल्प संस्था लगभग पिछले 12-13 वर्षों से सामाजिक कार्यों में, सेवा कार्यों में लगी हुई है। इसके अंतर्गत हम कंबल वितरण, भोजन वितरण और हर तरह का हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, हर तरह के कैंप लगा मानव सेवा का हम लोग कार्य पिछले 12-13-14 सालों से करते आ रहे हैं, जिसमें आई चेकअप, चश्मा वितरण, आई का ऑपरेशन, सभी तरह का कार्यक्रम, और हमारे संकल्प के सारे मेंबर पूरे जुड़े हुए हैं। युवा शक्ति के लिए अमित कुमार की एक खास रिपोर्ट। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।